मेरे ट्रेनिंग करके ऐसे भी इतना सीखा कि भैया कोई नाक पे मारे थोड़ा सा बच सकता हूँ, थोड़ा जबड़ा तोड़े थोड़ा सा बच सकता हूँ, मगर अभी मैं उतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि जितना परफेक्ट होना चाहिए। गदर में तारा सिंह जी की बात, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितनी फाइट में ही कर रहा हूँ, जो नॉर्मल ओलंपिक में कमी रह गई थी सारे पैरा वाली कमी कम्प्लीट कर देंगे हमारी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये मेरी कभी नहीं मानते और मुझे उनको बोलना पड़ता है कि आपको मेरी चीज ये माननी पड़ेगी क्योंकि ये सही है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और जनसत्ता में आज हमारे साथ तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है पायल रोहतगी और संग्राम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जनसत्ता में। थैंक यू ज्योति जी। संग्राम जी, 30-32 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं एमएमए से और 39 ईयर्स की एज में आप जो है डेब्यू कर रहे हैं, तो रेस्ट नहीं लगता, डर नहीं लगता? एक्चुअली तो मिसेज ज़्यादा है क्योंकि हम उस टाइम उम्र लगते नहीं थे। तो देखिए ज्योति जी, क्या है कि अब जिस हिसाब से मैंने रेसलिंग में इतने साल दिए हैं, कोशिश करता हूँ कुछ करने की, बेहतर करने की, और जिस हिसाब से पायल जी मुझे खाना खिलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं 39-40 क्या मतलब 50 साल की एज में खेल सकता हूँ। और जिस हिसाब से पायल जी जितना प्यार बरसाते हैं, जितना मेरा देखभाल करते हैं, जितना मेरा ख्याल रखते हैं, उस हिसाब से ये 39-40 साल तो कम है। तो कहने की बात ये है ज्योति जी कि अगर मैं अब करता हूँ तो ढेर सारे नए बच्चों के लिए थोड़ा सा एक वो थोड़ा प्रेरित होंगे, और जो अपनी लाइफ में कई बार हार मान जाते हैं अर्ली 30s में या किसी उसमें, तो आगे हार नहीं मानेंगे, वन ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भैया ज़िंदगी में कोई हार जीत नहीं है, बस आप लगे रहो, सीखना होता है तो सीखते रहो, यही मेरा कारण है। ज्योति जी, एमएमए डिफरेंट है, अलग है, टफ है। मैंने ट्रेनिंग करके ऐसे भी इतना सीखा कि भैया कोई नाक पे मारे थोड़ा सा बच सकता हूँ, थोड़ा जबड़ा तोड़े थोड़ा सा बच सकता हूँ, मगर अभी मैं उतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि जितना परफेक्ट होना चाहिए। मैं हर रोज तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि मैं बेहतर खेल पाऊँ। देखिए, आप हारना जीतना, कोई भी खिलाड़ी कोई भी कभी उसमें कभी कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी कोई मतलब ये कि मैं कह गया ना कि भैया मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ किसी फील्ड में, तो फिर वो सही नहीं कह रहे हैं। तो अभी मैंने कोशिश किया कुछ सीखने का, अब बाकी सीख रहा हूँ। आई होप कि 21 सितंबर को मेरा मैच है, तब तक मैं कुछ इस एबल हो जाऊँ कि मैं वन ऑफ द बेस्ट फाइट दे पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ, तो ढेर सारे जो भी देखे, जो भी ये मैच देखे, कि उसको लगे कि अच्छा है और ये भारत के लिए, इंडिया के लिए इस स्पोर्ट्स में दरवाजे खोल पाऊँ। आपका जो पहला मैच है वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ है, तभी आपने प्रो रेसलिंग में हराया था पाकिस्तानी प्लेयर को, गोल्ड मेडल जीता था, तो अभी क्या पाकिस्तान जब सामने होता है तो क्या मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है? अभी पहला मैच है आपका तो क्या जी, बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि काफ़ी वो होता है कि भैया ये कोच सब ये कहते हैं कि भाई इनसे मत हारना यार, बाकी किसी से हार जाओ, क्योंकि हमें जाके वो कहेंगे। बाकी मैं हंस रहा था कि वो गदर में तारा सिंह जी की बात, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितनी फाइट में ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि सारे मैच पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, तो वन ऑफ द प्रेशर भी है। और आप अपने से 10-15 साल छोटे युवाओं के साथ भी खेलते हैं, तो दोनों चीज़ों का वो है। तो मैं इस पूरे मैच को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तानी प्लेयर सामने है तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, जो गेम का प्लान है ये तो इनका होगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह से होना है, उसमें किस तरह से आपने इनका सपोर्ट किया या इनको समझाया? देखिए, आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को पता चला कि इनके जो ओपोनेंट है वो पाकिस्तान से है। दुबई में भी जब इनकी मैच हुई थी वो पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हुई थी, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट गेट इनटू, बिकॉज ये इनके और इनके कोच साहब का एरिया है जहाँ पे ये अपने हिसाब से यू नो फिगर आउट करते हैं कि उनको ये मैच करना है ये नहीं करना। पैरालंपिक चल रहा है और इसमें भारत ने 15 मेडल जीत लिए, एक दिन में 8 मेडल आए हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? ये सब तो इंस्पिरेशन है, ये मैं कहूँगा कि जो इनको बोलता डिसेबल नहीं वो बहुत एबल है, तो वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि जिस हिसाब से कम्पीट कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं जैसे कई खिलाड़ी को मैं जानता हूँ, दीपा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इवन अमनी है, सुमित है, या मैंने कई देखे, योगेश है या बाकी और कई हैं, तो ये बहुत इंस्पिरेशन है। वो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुझे लगता है कि जो नॉर्मल ओलंपिक में कमी रह गई थी सारे पैरा वाली कमी कम्प्लीट कर देंगे हमारी। अभी विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था आपने उस पर भी इतनी बात रखी थी, तो आप करते आए हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, जो
150 ग्राम ज्यादा और ये जो हुआ, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए कि एक ये रूल बना हुआ है, उसका जो फिला होती है कि जो इंटरनेशनल रेसलिंग की कमेटी होती है, फिर ओलंपिक गेम तो बड़े ही होते हैं, तो उनके रूल के हिसाब से वो अब रूल ये है कि भैया 2 दिन आपको वेट देना है, एक दिन स्टार्टिंग में एक दिन, फिर आप मेडल बाउट के पास पहुँचेंगे या ब्रोंज मेडल के पास पहुँचेंगे तो आपको वेट देना पड़ेगा, तो उसमें 10 ग्राम वेट होगा, चलेगा नहीं। बस ये बेड लगता कि विनेश का भी और हमारे देश का भी, कंट्री का भी एक मेडल से वंचित रह गए। बाकी विनेश बहुत अच्छा खेली और नो डाउट वो इस टाइम जिस हिसाब से खेल रही थी, हिसाब से गोल्ड मेडल जीत सकते थे। कैसे बैलेंस करती हैं आप? आपके मुद्दा भी काम है, उनका भी है, दोनों इतने पॉपुलर हैं, तो घर में कैसे सब कुछ बैलेंस होता है? कितना घर में एक दूसरे को टाइम दे पाता है या फिर बाहर जाना आप लोग तो निकलना पड़ता है? देखिए अगर आप मेरे बारे में थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं इनको हैंडल करती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज ये एक जाट है एंड जो भी जाटों को जानते हैं वो जानते हैं कि वो भी जाट है। हाँ, तो अगर वो नहीं है, मेरे मामा का सरनेम। अच्छा, सो आई डोंट नो के लोगों को पता है कि नहीं, बट दे आर लिटिल बिट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटीज। सो मैं इनको सोशल मीडिया के थ्रू हैंडल करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये मेरी कभी नहीं मानते और मुझे उनको बोलना पड़ता है कि आपको मेरी चीज़ ये माननी पड़ेगी क्योंकि ये सही है। सो आई यूज सोशल मीडिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव दैट he has attained his startup on his own, I have attained mine on my own. तो मैं अपने आप को लेवल हेडेड रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, बिकॉज शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है, एंड यू नीड टू डू थिंग्स सो दैट द फैमिलीज डोंट गेट हर्ट। तो वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, हस्बैंड की ईगो को भी मद्देनज़र रखते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के अनुसार जो मुझे ठीक लगता है मैं करती हूँ। रोमांटिक टाइम मिल पाता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए? जाट्स आर नॉट रोमांटिक, दे डोंट नो व्हाट इज रोमांस, दे आर नॉट रोमांटिक। भाई तुम्हें जाट का मतलब बताती हूँ, जाट का मतलब होता है जीनियस ऑल टाइम, और मेरे लिए सब जाति सब का सब बराबर है। से रोमांस का मतलब ये होता है कि आप गुलाब का फूल ले लिया, आई एम देयर फॉर यू, ऐसी बात करो। रोमांस का मतलब होता है केयर, अगर आप केयर करते हैं तो देन यू आर वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पर्सन उनके साथ, और आई केयर फॉर हर, she should be thankful and she should be happy that she got me after so much effort. Okay. See, she got me. So, she's so fortunate. Thank you. And I'm also fortunate. Thank you so much. So, thank you, Jyoti ji, जो आपने इतना time दिया, ये निकाला, और मैं अपनी fight को बंदूक फाड़ कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे जैसे wrestling में प्यार मिला है, ऐसे इसमें प्यार मिलेगा, वो सब support करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करें।